नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑटो स्टूडियो की एक और नई वीडियो में। सेडान लवर्स के बीच फेमस हुई कार सियाज का एक नया वर्जन कुछ हफ्ते पहले मारुति ने हमारे बीच अनवील किया है। इंजन के साथ साथ गाड़ी में भी कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स हुए हैं। आज मैं आपको उन्हीं अपडेट्स के बारे में बताऊंगा। एक्सटीरियर की बात करें तो कार के फ्रंट में हमें नए एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी डे टाइम रनिंग लैम्प्स के साथ मिले हैं और नीचे की तरफ एलईडी फॉग लैम्प्स मिले हैं क्रोम बॉर्डर्स के साथ। फ्रंट में नए एलिगेंट डिजाइन की ग्रिल्स मिलती हैं जिसके ऊपर क्रोम स्ट्रिप्स हैं। कार के साइड में हमें 15 सेंटीमीटर के अलॉय और ऊपर की तरफ बॉडी कलर्ड ORVMs मिलते हैं। फ्रंट की ही तरह रेयर में भी एलईडी स्प्लिट कॉम्बिनेशन लैंप्स और रेयर रिफ्लेक्टर लैंप्स विद क्रोम ऑर्नामेंट मिलते हैं। इंजन की बात करें तो पेट्रोल में हमें मारुति का नया 1.5 लीटर का इंजन मिलता है जो 77 PS की पावर और 138 Nm का टॉर्क देता है, और दूसरी तरफ 1.2 लीटर का डीजल इंजन मिल रहा है जो 66 PS की पावर और 200 Nm का टॉर्क देता है। पेट्रोल में हमें 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, और डीजल में हमें सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। सियाज में हमें हाइब्रिड इंजन मिलता है जो डीजल इंजन में उसकी फ्यूल इकोनॉमी 28 किलोमीटर पर लीटर देता है। सियाज का हाइब्रिड इंजन गाड़ी के ब्रेक लगने के वक्त काम आता है। जैसे किसी सिग्नल पर हमने ब्रेक लगाया तो इंजन अपने आप बंद हो जाएगा, और वैसे ही आप ब्रेक पे से पैर हटाएंगे तो इंजन अपने आप चालू हो जाएगा। इंटीरियर की बात करें तो कार के इंटीरियर में हमें लग्जरियस डिजाइन मिलता है। डैशबोर्ड पर क्रोम फिनिश और स्टेयरिंग व्हील पर लेदर कोटिंग है। स्टेयरिंग पर हमें क्रूज कंट्रोल का भी फीचर मिलता है। कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो हमें इसमें 17.8 इंचेस की टच स्क्रीन मिलती है जो अपने साथ कई सारे फीचर्स लाती है जैसे वॉइस कमांड और इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम। सियाज के फेसलिफ्ट वर्जन की प्राइस 10 लाख से 12.5 लाख तक है, और इसकी मेन राइवल कार्स हैं वर्ना, होंडा सिटी और इसकी ही सिस्टर कार एस क्रॉस। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें डेली अपडेट्स के लिए।